पानी से चलने वाला कार बनाने का आइडिया काफी अच्छा है। पानी का स्रोत धरती में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। बहुत सारे लोगों ने समय समय पर यह दावा भी किया है कि उन्होंने पानी से चलने वाला कार बना ली है, परंतु पानी से चलने वाली कार दशकों से विवादों के घेरे में ही रही है। जहाँ एक तरफ कई सारे लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने जल से चलने वाली कार बना ली है, वहीं जल से चलने वाली कार दशकों से विवादों के घेरे में ही है। तो आखिर सच क्या है? अगर पानी से चलने वाली कार बनाई जाती है तो वो कैसे करके पानी का उपयोग ऊर्जा के रूप में करेगी? पानी से कार कैसे चलेगी आगे वीडियो में जानते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। लोगों द्वारा जल से चलने वाली कार का आइडिया काफी ज्यादा पसंद की जाती है क्योंकि जल बहुत ज्यादा मात्रा में धरती पर मौजूद है। जल एक नवीकरणीय स्रोत भी है। आइए जानते हैं जल से चलने वाली कार के बारे में, जिसे स्टेनली मेयर ने 1970 में बनाने का दावा किया था। यह कार जल से किस प्रकार चलती थी? 1970 में स्टेनली मेयर ने यह दावा किया था कि उन्होंने जल से चलने वाली कार बना ली है। उन्होंने जल से चलने वाली कार में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का उपयोग किया था। उनके द्वारा बनाए गए कार में एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स की जरूरत होती थी। हम जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। इसलिए कार में मौजूद एक्स्ट्रा एनर्जी पहले पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ती है, और इस प्रोसेस में पैदा हुए हाइड्रोजन का उपयोग कार को चलाने के लिए किया जाता है। आइए वाटर पावर कार के विज्ञान का एक ग्राफ देखें। आमतौर पर यह कहा जाता है कि 1 लीटर हाइड्रोजन से कार 97 से 100 किलोमीटर तक चल सकती है, परंतु कुछ कंपनियों का दावा है कि उनके द्वारा बनाया गया हाइड्रोजन कार का डिजाइन उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी।